जहां खबर गोंडा जिले से है, जहां अपनी मांग को लेकर आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। आशा कार्यकर्त्रियों को पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरे कृपाल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। तो आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 8 महीने से हम लोग को वेतन नहीं मिला है, और जब हम वेतन मांगते हैं तो बताया जाता है कि मिल जाएगा, और फिर वेतन नहीं आता है। हमें दिवाली में भी वेतन नहीं मिला था। अगर हम काम के लिए मना करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप नौकरी छोड़ दीजिए और हमें लिख कर दे दीजिए। ऐसा ही हर बार होता है। हमें जब मीटिंग में बुलाया जाता है और हमारे पास पैसा नहीं रहता है, हम अपने घर का अनाज बेचकर और मीटिंग में आते हैं। आशा कार्यकर्ताओं के साथ कितने गलत बर्ताव किए जाते हैं। आशा कार्यकर्ताओं को ना तो सैलरी दी जाती है, अगर किसी सीनियर के खिलाफ बोल भी देती हैं तो इन्हें काम से निकालने की धमकी भी दी जाती है, जिसके चलते मजबूर होकर धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। आशाओं का अपने मानदेय संबंधी भुगतान के विषय में थोड़ा सा रोष है कि उनका भुगतान समय से नहीं किया। इसका कारण ये है कि नए सिस्टम के अकॉर्डिंग जिले से आशाओं का भुगतान होना है, जिसमें कि शुरू में डीएससी की प्रॉब्लम थी वो बनी, फिर ब्लॉक से बैम उनकी जितना भी मानदेय अलग अलग मद में जो भी है वो बना के यहाँ भेजते हैं, और यहाँ से अप्रूव होने के बाद फंड रिलीज होता है एनएचएम से और लिमिट रिलीज होती है, उसके बाद यहाँ से भुगतान किया जाता है। धरना प्रदर्शन ये हुआ है कि 21 नवंबर को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। मैडम ने कहा था कि आप लोग का पेमेंट हो जाएगा, हो गया। अभी अभी आया है 2 महीना का वेतन। आशाओं का अभी पूरा नहीं आया, ना पूरी संगनी का आया। जब तक हम लोग का मार्च से लेकर दिसंबर तक भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोग धरना नहीं देंगे।